सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। आज सारा दिन मुझे क्या खाना है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। What? Hi guys, I am Priyanka और आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge where the person in front of me will decide what I eat throughout the day. So come on, let's get started. So guys, सुबह मैं निकल गई हूँ अपनी किस्मत आजमाने एंड आई विश कि आज मेरी किस्मत ना बहुत बढ़िया चली और मुझसे जो आगे लोग ऑर्डर करेंगे ना वो बहुत अच्छा ऑर्डर करें, ढेर सारा ऑर्डर करें, कहीं मैं भूखी ना रह जाऊँ। ओ गॉड, माई फिंगर्स आर क्रॉस एंड प्लीज़ विश मी लक कि आज खूब बढ़िया सा मैं चैलेंज बनाऊँ। So guys, सबसे पहले मैं आ गई हूँ मैकडोनल्ड्स एंड लेट्स सी इनके ड्राइव थ्रू में आज मेरी किस्मत कैसी चमकती है। वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सुबह सुबह इतने सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं क्या? आई एम हैप्पी आई एम नॉट अलोन। आई होप ये नीली गाड़ी वाले जो हैं कुछ बढ़िया सा ऑर्डर करें। ये क्या हुआ, इन्होंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ गाइस? हाय, आज पता है मुझे क्या खाना है? यही ऑर्डर करना है ना मुझे? आज खाना है जो वो सामने वाली गाड़ी ने ऑर्डर करा था। जो मेरे से आगे गई ना नीली गाड़ी ने तो कुछ ऑर्डर करा नहीं, व्हाइट वाली गाड़ी ने क्या ऑर्डर करा था? उन्होंने किया है आलू टिक्की बर्गर और स्पाइस चिकन बर्गर। अच्छा, तो ये ही मेरे को भी ऑर्डर कर दीजिए, मेरा चैलेंज चल रहा है। बस इतना सही ऑर्डर करा है क्या? मैम एक बार चेक कर लो, यही वाली है ना बीच जो गई व्हाइट वाली। हाँ, ये नीली ने कुछ ऑर्डर नहीं करा क्या? बताओ, ये ड्राइवर में खड़े उनके और ऑर्डर कुछ नहीं करा। चलिए आप वही ऑर्डर कर दीजिए, पिछला वाला ऑर्डर ही 200 ही लीजिए। थैंक यू। नाम तो मुझे समझ में नहीं आया मैम ने क्या बोले हैं, बट आई होप अच्छे हों। ओके, कलेक्ट योर ऑर्डर हियर। आई होप यहाँ से इनकी विंडो से मेरा हाथ पहुँच जाएगा। मैं छोटू सी हूँ ना, मेरा हाथ भी छोटा सही है। क्या विंडो तो बंद है? ये तो विंडो ही बंद है इनकी। अरे कोई है घर में? कोई है मैगी में? कोई है? मुझे लगता है मैकडॉनल्ड ने ना मेरे लिए आज खिड़की बंद करके रखी है। यहाँ पे मेरे पास बिल इतना लंबा चौड़ा है बट खाना आई थिंक कम ही है। अरे आया आया आया, पहुँच जाएगा क्या? ये आपको बिल देना है क्या? एक आलू टिक्की बर्गर और स्पाइसी चिकन बर्गर। हाँ बस इतना सही है। थैंक यू। व्हाट, मैंने सही सुना है क्या? खिड़की तो आ गई, वो बोला चिकन बर्गर है और आई थिंक एक वेज बर्गर है। लेट मी सी, मैं पहले यहाँ से गाड़ी तो हटाऊँ। ओके ओके ओके। ओह गॉड, ये क्या हुआ, सुबह सुबह गड़बड़ हो गया। ओह नो, अरे बाप रे। सो गाइस, जब ऑर्डर कर रही थी ना तो आई डिडंट हियर व्हाट शी सेड। इसमें तो एक चिकन बर्गर निकला है, देखो ये तो मैं नहीं खा सकती है। देखिए गाइस, ये किसी ने चिकन बर्गर, किसी ने क्या, मेरे जाके गाड़ी थी ना उसने चिकन बर्गर ऑर्डर करा। अरे इसमें तो मेयोनीज खूब सारी लगी है एंड यहाँ मेरे लिए है सिर्फ ये छोटू नन्नू सा आलू टिक्की बर्गर जिसमें, ले भाई इसमें तो मेयोनीज ही लगी है, कोई चीज़ भी नहीं लगा है। मुझे पर्सनली ना ये मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर बिल्कुल भी, अरे भैया मेरा कागज जुड़ गया, आलू टिक्की बर्गर मुझे नहीं पसंद है। अरे मेरे लिए ज़रा वेजीज वाला बर्गर ऑर्डर कर देते, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स होती और चीज़ भी होती तो मज़ा आता ना। अब ये इतना छोटू चुन्नू मुन्नू सा बर्गर कहाँ चला जाएगा मुझे तो नहीं पता। हाँ अरे हाँ, अरे ये तो पता नहीं, भूल गई, ये पूरा मुझे पड़ा है 200 रुपये का। जिसने चिकन ऑर्डर करा था ना उसका तो निहाल हो जाएगा, और जिसके लिए आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर करना ना सिर्फ 45 रुपये का है, 45 रुपीज़ का। बड़ा महंगा पड़ गया मुझे ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह मेरा पोपट बन गया गाइस। चलो अब यही खा के गुजारती हूँ अपना ब्रेकफास्ट का टाइम। बड़ा ही ड्राई सा बर्गर है, सीरियसली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो बिल्कुल ही भूखी रह जाऊंगी। सुबह सुबह किस्मत अच्छी नहीं निकली। आई होप गॉड प्लीज आगे ना, अब जब मैं और खाना खाऊंगी तो मेरी किस्मत अच्छी रखना प्लीज। गाइज, दैट बर्गर वॉज सो स्मॉल, पता है मुझे क्या लग रहा था, जैसे जैसे मैं खाती जा रही हूँ ना वैसे वैसे मेरा बर्गर डाइजेस्ट होता चला जा रहा है। एंड इतनी गर्मी पड़ रही है यार, कम से कम एक ड्रिंक तो ऑर्डर कर देते, बर्गर खा के तो मेरा गला सूख गया। एंड हु आर यू जिसने मैकडोनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर नहीं करे? वैसे मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैकडोनल्ड्स गई हूँ और मैंने फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। मतलब कौन हो कौन तुम,
Who are you? आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद है? आई कैंट बिलीव दैट. मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज खाना तो बनता है. एंड गाइज, अगर आपको भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. एंड भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर रहे हो आप? तो मुझे पता है ना कौन हो. अरे आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो जल्दी से जाओ, लाइक बटन प्रेस करो. और अब मैं देखती हूँ कि मैं अपनी किस्मत कहाँ आजमाऊंगी और क्या खाने वाली हूँ. So guys, जयपुर में घूमते घूमते देखो मुझे क्या देखा. भाई वैलेंटाइंस डे तो चला गया, चलो भैया से पूछते हैं ये दिल धक धक जो करता है वो वैलेंटाइंस डे के बाद भी लोग खरीदते कि नहीं. आइए भैया, एक मिनट नीचे करो ना थोड़ी सी डोरी. कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये. वैसे ये बताओ, वैलेंटाइंस डे तो चला गया है, उसके बाद भी ये बलून कोई खरीदता है कि नहीं? हाँ नहीं, खरीदते हैं. खरीदते हैं कितने के? ये रेड वाले बताओ कितने के? ये तो 110 का एक देते हैं कस्टमर के हिसाब से. हाँ. मतलब जो ज्यादा पीस लेते हैं. हाँ. 100 रुपए दे देते हैं. 100 रुपए में एक. और ये बताओ मुझे कि वैलेंटाइन डे वाले दिन कितने के दिए? वैलेंटाइन 100 रुपए का दिया. 100 रुपए के? हाँ. ये अच्छा, वो वाली गैस भरी जो ऊपर उड़ती है. हाँ, और अभी मैं देख रही थी आप इसके ऊपर पानी डाल रहे थे, उससे क्या था वो? तो क्या गैस बनता है इसमें? अरे गैस का ही तो सिलेंडर है, गैस ही तो बनाएगा. सो गाइस, लंच के लिए मैं जा रही हूँ डोमिनोज. एंड आई होप वहाँ पे ना किसी ने वो छोटू मोटू सा पर्सनल पिज्जा ना ऑर्डर कराओ. सो कम ऑन, लेट्स ट्राई आवर लक. आ जाओ. हाय, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर. मुझे ऑर्डर करना है प्लेस जो आपने लास्ट ऑर्डर अभी पंचन करा है ना वो. वैसे आप समझ रहे हो मुझे क्या ऑर्डर करना है? ये जो भी भैया गया ना यहाँ से, इन्होंने जो ऑर्डर दिया है ना, इनका जो लास्ट ऑर्डर, आप मुझे बताना नहीं क्या है, बट मुझे वही ऑर्डर प्लेस इन करना है. आप समझ गए मेरा क्या ऑर्डर है? ऑर्डर. सो गाइज, यू वोंट बिलीव मेरे ऑर्डर में क्या आया है. पिज्ज़ा तो आया है उसके साथ, देखिए पिज्ज़ा के साथ इतने सारे केचप आए हैं. ओह माय गॉड, जरा देखती हूँ कितने केचप हैं. 10 सैशे हैं. एंड ये फ्री के नहीं है, 1 रुपए का एक है, तो 10 रुपए तो मेरे इसमें ही चले गए. वैसे ये जो मेरे आगे वाले थे वो यहाँ डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने आए हैं या केचप पीने आए हैं? आई कांट बिलीव दैट. तो चलिए, ये केचप की जो दुकान है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में रख देती हूँ. ये देख रहे हैं. अरे वाह, अरे मेरा असली मसाला तो नीचे ही रह गया. ये देखो मेरा ओरिगेनो, मेरा चिली फ्लेक. ओहो, ये सब इधर आओ, तुम मेरे पास आओ यहाँ पे प्लीज़. चलिए अब दिखाती हूँ पिज्ज़ा कौन सा है. नाम देख लूँ पहले कौन सा है. हाँ, ये देखो, टडिंग टडिंग टडिंग, ये है मेरा चीज़ बर्स फार्म हाउस पिज्ज़ा. ओह माय गॉड, कितनी टॉपिंग्स है ना. सो इट हैज़ कैप्सिकम, टमेटो, और ये मशरूम भी है, ये पे, और इसमें भरा है भर भर के चीज़. थैंक यू गॉड, ये चीज़ वाला पिज्ज़ा मिला. आई थिंक अब, ओह सॉरी, इसमें पहले मसाला तो डाल दूँ, अब मेरा पेट भर जाएगा. सुबह तो मैं भूखी प्यासी रह गई थी, बट अभी प्यासी तो एक्चुअली मैं अभी भी हूँ. एक कोल्ड ड्रिंक नहीं ऑर्डर कर सकते थे वो? एक्चुअली मुझे बोल ही देना चाहिए था उनको, भैया को. ये देखिए चिली फ्लेक्स. आ हा हा हा, अब दिख रहा है एकदम सुंदर मुंदर सा पिज्ज़ा. अब वैसे केचप आए तो बहुत सारे हैं, पर मैं पिज़्ज़ा के साथ जनरली केचप नहीं लगाती हूँ. अब ये खाती हूँ. वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है, ये इतने सारे केचप देख के ज़रूर ये घर से वे बॉटल लाए होंगे अपनी सॉस को रिफिल करने के लिए. पिज्जा लोडेड विद चीज, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है. थैंक यू गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस है. वो चीज़ बस पिज्ज़ा मैंने पहले कभी नहीं खाया है. मैंने थिन क्रस्ट पिज्ज़ा खाया है इनका, जनरली वही खाती हूँ. और आज क्या बात है, ये मैंने क्यों नहीं खाया, मैं अभी तक यही सोच रही हूँ. देखिए चीज़ कितनी भर भर के डली हुई है, इसको मैं दबाऊंगी तो शायद चीज़ और गिरेगी. ये देखो, ओ ओ माय गॉड, इसके अंदर लिक्विड चीज़ भरी है. इतना ज़्यादा लिक्विड यही था, ये और लिक्विड लेने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है वो लिक्विड चैलेंज कर रहे होंगे. तो गाइस, पिज्ज़ा तो बहुत ही गजब का था, पर ये देखिए ये केचप की दुकान. अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में रखने, एंड क्योंकि GT आए तो ज़रा टहली मारेंगे, पिज्ज़ा डाइजेस्ट भी तो करना, और थोड़ी सी घुमाई फिराई करते हो, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या अतरंगी खाने वाली हूँ. इसको रख के आती हूँ. सो गाइस, GT घूमते घूमते शाम हो चुकी, और देखो मैं कहाँ पहुँच गई. टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये मैं आ गई चाट भंडार पे, जहाँ पे लगा हुआ है चाट का बुफे. हाँ, ये देखो यहाँ पे भेल पूरी है, पानी पूरी है, और ये मोटा मोटा क्या है भैया? ओ माय गॉड, दही पपड़ी चाट. बट मुझे तो ना पानी पूरी खाने का मन है. और पता करें लास्ट इन्होंने क्या दिया था. भैया
वो लास्ट आपने क्या बेचा? हाँ, वो लास्ट आपने क्या दिया भैया को? दही बताशे दिए। पर मुझे तो पानी पूरी खानी थी। आपने किसको, किसने मना किया? आप भी खाओ पानी पूरी। मैं भी खा लूँ पानी पूरी। अरे नहीं नहीं भैया, आज ना मेरा चैलेंज चल रहा है, जो आपने लास्ट दिया है ना मैं वो ही खा सकती हूँ। आपने उन्हें पानी पूरी क्यों नहीं दी? उन्होंने दही बताशे मांगे। अरे एक तो डाल देते पानी, दही की जगह पानी डाल देते एक में, मांगा ही नहीं। चलो गाइस, आज मुझे अपनी पानी पूरी में डलाना पड़ेगा दही। दही मीठा है? मीठा है पक्का? गला तो नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तो चलिए भाई, हमें भी लगा दीजिए एक दही पानी पूरी। सो गाइस, जब तक मेरे दही के बताशे बन रहे, देखो यहाँ पे ये पानी देख तो सकती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं इनको डला नहीं सकती, पर हाय हाय ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसकी स्मेल भी ना बहुत ही अमेजिंग आ रही, पर कोई बात नहीं, आज मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, दही की पूरी खाऊंगी। कितने बढ़िया बना रहे भैया, सच्ची सच्ची देखो क्या चटनियाँ शटनियाँ डाली है। हाँ तीखा मीडियम, बहुत तीखा मत करना भैया। सो गाइज, ये आ गई मेरी दही वाली पूरी है। देखो देखो, दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, क्या मसाले वाली बूंदियाँ डाली और पतले वाले सेब डाले, पर ये इतनी हैवी हो चुकी है ना प्लेट, अब देखती हूँ खा के कि कैसी है। ओह हा, मेरा मन तो पानी पूरी, ये देखो चम्मच टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अरे बाबा आ जाओ। अरे यार ये तो उठ ही नहीं रही है। अरे बड़ी मुश्किल से उठी उठी उठी। बाप रे, एक तो भैया ने सुपर तीखी बना दिया मीडियम तीखी बोलने के बाद, प्लस ये तो पूरी सौगी हो गई। इसमें तो गाइस वो कुड़ुम कुड़ुम आया ही नहीं, कैसे खा लेते हैं दही वाली पूड़ी यार लोग। मुझे तो पानी पूड़ी खानी थी, मुझे तो वही पसंद थी। ये तो सच्ची बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, कितना तीखा है। और पता है कैसा लगा? ऐसा लग रहा है ऐसे रोटी ना ऐसे दूध में डूबी हुई ऐसे मैंने खा ली, बिल्कुल ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये बिल्कुल अच्छी नहीं। अब जैसे तैसे मैं इसको खत्म करूंगी। खाओ पूरा खाओ। अरे बाप रे बहुत तीखा, तुम भी शेयर कर लो ना प्लीज, थोड़ा सा शेयर कर लेना ना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मैं नहीं खाऊं। हाँ ये देखो, जो अच्छी चीज नहीं होती वो मेरे को पूरी 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 मेरे को खिला दी जाती है। चलो भाई अब रो दो के खानी तो पड़ेगी, अब चैलेंज लिया है आपके लिए, चैलेंज पूरा कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। एंड जल्दी से इसको वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज गाइस, आप लाइक करते हो ना तो मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। इतनी देर से मैं ये चैलेंज कर रही हूँ गाइस, एंड सच बताऊँ अभी तक मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। वो तो भला हो डोमिनोज का, जिसने इज्जत रख ली, वहाँ का पिज्ज़ा सचमुच बहुत अच्छा था। ये जो लाइन है ना, पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी विल डिसाइड वॉट आई ईट, ये सुबह से याद करते करते और अपने दिल और जहन में बसाते बसाते मैं इतना थक चुकी हूँ। ये जो पर्सन है ना, ये सामने वाले जो पर्सन है ना, वो अच्छा खाना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, अच्छा खाना खा ही नहीं रहे, और मुझे तो अच्छा खाना खाने की आदत है ना। आज मेरी किस्मत चल नहीं रही है। ओ माई गॉड, वैसे अच्छा हो मैंने लॉटरी नहीं खरीदी कभी। हाँ? अगर लॉटरी खरीदती ना पक्का पक्का मैं हार जाती। चलो कोई बात नहीं, अब एक बार वापस चलते हैं अपनी किस्मत आजमाने, एंड आई होप अब कुछ प्लीज अच्छा खाने को मिल जाए। सो ये देखिए गाइस, अब मैं पहुंच गई हूँ जयपुर की खाऊ गली। ये देखो कितनी भीड़ है, ओ माय गॉड इतने सारे लोग। आइए देखते हैं कि यहाँ पे मेरे से कोई ऑर्डर लेने आता भी है कि नहीं गाड़ी के अंदर। सो गाइस, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये भैया हंगरी हेड से आया मुझे यहाँ अकेला खड़ा हुआ देख के। ये देखो मेन्यू भी लाए हो, बट आज ये मेन्यू मैं नहीं देख सकती, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकती। आज पता है मुझे क्या खाना है? आपने जो लास्ट ऑर्डर दिया होगा ना वो मुझे खाना है, आप समझ गए? नहीं अच्छा भाई, जो आपका कस्टमर आया होगा ना लास्ट, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा ना, जितनी चीज़ें करी होंगी ऑर्डर, आज मुझे वो ही खाना है। आज मैं अपनी पसंद का नहीं खा सकती हूँ, सुबह से पता मेरा पोपट बन रहा है। आई होप इस बार मेरा पोपट नहीं बनेगा, पर अभी मुझे बताना नहीं कि उसने क्या ऑर्डर करा था, आप बस वही लाना जो उन्होंने लास्ट ऑर्डर आपने जो दिया होगा, ठीक है? चलो थैंक यू, जल्दी लाना भैया। ये देखो गाइस, मेरा ऑर्डर चलता 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 चला आ रहा है। क्या है? थैंक यू सो मच भैया, आपने तो दिल जीत लिया। एक्चुअली आपने नहीं, जिसने ये पहले ऑर्डर करा था ना उसने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए तो भर भर के गार लेके ले लूं।
कितने का है ये? अच्छा ये तो बता दो। 130 का। ये लीजिए नोट हमने रखा है, ये लीजिए। ओ माई गॉड गाइस, थैंक यू, जस्ट लुक एट दिस। मेरे ख्याल से बर्न चिली गार्लिक नूडल्स है, गार्लिक देख रहे हो कितने सारे भाई। ये जो मेरा चैलेंज चल रहा है ना, अब एक्चुअली मुझे बड़ा मजा आने वाला है इनको खा के। अभी बताती हूँ कैसे। वो हो ये देखो कितने इंटरेस्टिंग नूडल्स हैं, कितना गार्लिक डाला है सच्ची, और बहुत सारा है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच्ची, बहुत ज़्यादा गार्लिकी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी है यार सचमुच। सुबह से ना अब जाके ये बहुत अच्छा वाला खाना मिला है मुझे। थैंक यू सो मच बन सके जिन्होंने मुझसे पहले हंग्री बर्ड में ना ये ऑर्डर किया था। सो गाइज, आज के चैलेंज में ना एक बहुत यूनिक चीज़ हुई है, सोचो क्या है। अरे सुबह से किसी ने डिजर्ट ही नहीं खाई, तो मैं आ गई हूँ फाइनली अपना डिजर्ट टाइम लेके बास्किन रॉबिन्स में। आई थिंक यहाँ पे तो किसी ना किसी ने डिजर्ट खाई होगी, तो आ जाओ। सो गाइज, आइसक्रीम तो मुझे वही खानी पड़ेगी जो मुझसे पहले किसी ने ऑर्डर करी, बट टेस्टिंग तो मैं कर ही सकती हूँ, टेस्टिंग पे कोई पाबंदी नहीं है। तो भैया मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम टेस्ट करा दीजिएगा, चॉकलेट फ्लेवर वाली टेस्टिंग कराइएगा। ये तो चॉकलेट का है। हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मेरा फेवरेट चॉकलेट है। अच्छा ये मुझे बताएगा, ये सब तो मैंने टेस्टिंग कर ली कोई बात नहीं, पर मुझसे पहले किसी ने ऑर्डर करी होगी वो कौन सी आइसक्रीम ऑर्डर करी थी? हैं कौन सी? ये नीली नीली रंग की? क्या बात कर रहे हो, हो आइसक्रीम वो भी पूरी नीली? अच्छा वो कम से कम कौन में तो ली होगी उन्होंने, कौन मिली थी? थैंक गॉड, तो चलिए उसी का एक स्कूप दे दीजिए। ओ गॉड, ऐसे लग रहा है वो बचपन में हम लोग कपड़ों में नील डालते थे ना, वैसी आइसक्रीम आई है। ब्लू पॉलिश माय शू, ये देखो ये ब्लू कलर की आइसक्रीम आई है। ब्लूबेरी है क्या कुछ इसमें? जी अच्छा, ओ ब्लूबेरी वाली आइसक्रीम है, मुझे लगा था रेनबो आइसक्रीम है। खट्टी मीठी है तो है, आइसक्रीम भी खट्टी खट्टी है, मीठी मीठी है। वैसे एक्चुअली दिखने में ज़रूर ब्लू है, पर खाने में बहुत टेस्टी है। एक्चुअली मुझे बताना है ब्लू आइसक्रीम किस किस लोगों ने खाई है, ठीक है? नहीं खाई है तो जाना बास्किन रॉबिन्स में खा के आना। अब मैं करती हूँ इसको जल्दी से फिनिश और आपको मिलूंगी अब अगले वीडियो में। मेरा चैलेंज कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो। एंड प्लीज़ इस वाले वीडियो में ना बहुत सारे लाइक आने चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत सारा लाइक देते हो। तो बाय, अब खाती हूँ मैं नीली परी, आज मैं येलो परी थी, अब बन गई मैं नीली परी।